सो गाइस, आजकल यूट्यूब पर जो जितने भी एक्सपेरिमेंट वाले छोटे से छोटे या फिर बड़ा कोई भी यूट्यूब चैनल है या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट यूट्यूबर है, जैसे कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जो कि एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, जहाँ पर मैं मतलब उन सभी यूट्यूब चैनल्स पर एक बड़ा ही अजीब ट्रेंड चल पड़ा है। हर कोई एक्सपेरिमेंट्स जो है वो पानी के अंदर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पानी के बाहर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय हर कोई पानी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो मैंने सोचा यार कि मैं क्यों इससे पीछे हटूं। आज हम भी पानी के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे हम? एक्सपेरिमेंट हम ये करेंगे कि हम अपने फैन को हम पानी के अंदर चला देंगे। ये हमारा टेबल फैन है, देख सकते हैं, हम इसको पानी के अंदर चलाने वाले हैं। तो वीडियो में आज आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं और इस फैन को पानी के अंदर चला कर देखते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो हमारा सेटअप है वो पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर हमारा जो फैन है वो तैयार है। यहाँ पर मैंने सिंपली एक डीसी मोटर लिया और उसके ऊपर कुछ इस तरह का एक प्रोपेलर लगा दिया, और साथ ही में यहाँ पर मैंने कुछ लंबी सी वायर लगा दी जिस वजह से हम इस बाउल के अंदर, हम पानी के अंदर अपनी फैन को चला सकें। और साथ ही में हमने इसके आगे क्लिप्स भी लगा दिए, इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलो भाई, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर नेगेटिव वायर लगेगा और यहाँ पर लगेगा पॉजिटिव। जैसे अब लेकिन हम इस एक्सपेरिमेंट को पानी के अंदर करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो पहले ही हम इस फैन को पानी के अंदर डाल देते हैं। देख सकते हो, ये हमारा जो मोटर है, मैं उसको पानी के अंदर डालने लगा हूँ, और इससे एक चांसेस हैं कि मेरी जो मोटर है, यानी कि जो मोटर आप देख रहे हो, ये ख़राब भी हो सकती है पानी के अंदर जाने पर। चलो पहले इसको पानी के अंदर डाल देते हैं। ऑलराइट, ये चली गई हमारी मोटर। अब आप देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल पानी के अंदर जा चुकी है। देखो, अब चलो यहाँ पर जो है जो पॉजिटिव था उसको कनेक्ट कर देते हैं जल्दी से, और देखते हैं कि हमारा फैन रोटेट होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मोटर थोड़ा सा हिल तो रहा है, अब ध्यान से देखो मोटर को, तो लेकिन फैन रोटेट नहीं करा। चलो एक बार इसको मैं लगा कर छोड़ देता हूँ। ये लग गया हमारा पॉजिटिव के साथ भी लग चुका है। अब हमारा जो मोटर है वो ऑन हो चुका है, लेकिन मोटर का जो फैन है वो पता नहीं क्यों रोटेट नहीं कर रहा। शायद मैं इसको उठाऊं तो शायद कर जाए। यहाँ पर कुछ बबल्स तो बन रहे हैं और अब ये रोटेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो तार थी, मतलब इसकी जो वायर है, वो इसके ब्लेड में अटक गई थी, इसलिए शायद ये रोटेट नहीं कर रहा था। अब हमारा फैन जो है पानी के बाहर तो रोटेट कर रहा है। चलो इसको चलते हुए फैन को ही पानी के अंदर डाल देते हैं। ओके, ये पानी मतलब काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ उड़ा रहा है। देखो देखो, चलो इसको जल्दी से अब इसके अंदर डाल देते हैं। और हमारा फैन दोस्तों बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। शायद हमारी मोटर के अंदर पानी जा रहा है, ये देख सकते हो आप। ये देखो, हमारी मोटर की स्पीड भी थोड़ी सी यार स्लो हो चुकी है। ये देखो कितनी स्लो हो गई हमारी मोटर। ये देखो, शायद इसकी वजह से इसका ये मतलब हो सकता है कि शायद इस मोटर के अंदर पानी भर चुका है। चलो एक और बार इसको हम ट्राई करते हैं। अब शायद अभी भी, ये देखो कितना स्लो जो फैन है, कितना स्लोली रोटेट कर रहा है, और पानी के अंदर डालते ही ये बंद हो जाता है। देखो ये देखो, काम करना हमारा फैन बंद कर चुका है। चलो एक बार मैं इसमें जो बैटरी लगी है उसको चेंज करके देखता हूँ, यानी कि बैटरी में हटाकर कोई दूसरी बैटरी लगाता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर जो बैटरी है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुकी है। शायद पानी के अंदर जब हमने मोटर को डाला तो वो जो फैन था वो बहुत ज़्यादा पावर लेने लगा बैटरी से। चलो एक बार फिर से हम इस चीज़ को ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर मैं बैटरी को ही चेंज कर दूंगा, लेकिन यानी कि दूसरी बैटरी लगा कर मैं चेक करूँगा कि क्या इस बार ही हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो हो पाता है या फिर नहीं। तो ये मैंने लगा दिया। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर एक मिनट, मैं इसको एक बार काम करता हूँ। मुझे पता है हमारी मोटर के अंदर पानी भर चुका है। देखो पानी हमारी मोटर के अंदर, इसको थोड़ा सा हिला देता हूँ जिससे कि पानी बाहर निकल जाए।
अब इसके ऊपर फैन लगा देता हूँ एक बार कि मैं इसको जो मोटर है उसको पानी के बाहर ही रख देता हूँ। ओके अब जहाँ पर वायर है ये टूट चुका है, सॉरी देख सकते हो। अब इस वायर को पहले मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ये हमारी बैटरी के साथ हमारा वायर कनेक्ट हो जाएगा। देखो खराब नहीं हुई हमारी मोटर, अब चल रही है। चलो इसको पानी के अंदर डाल देते हैं। अब देख सकते हो पानी कितनी तेजी से ऊपर, चलो इसको डाल ही देते हैं पानी के अंदर। और अब देख सकते हो जो हमारा फैन है वो पानी के अंदर काम करेगा। इस देखो अब देख सकते हो जो फैन कर रहा है बहुत स्लो कर रहा है, लेकिन काम हमारा फैन पानी के अंदर भी कर रहा है। अब शायद ये बंद हो चुका है, एक मिनट, ये देखो काम कर रहा है हमारा जो है कि हमारी मोटर है वो तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन हमारा मतलब मोटर में भी इतनी पावर नहीं रही या फिर बैटरी शायद डाउन हो चुकी है कि वो पानी के अंदर काम नहीं कर पा रहा। देखो जैसे मैं पानी के अंदर डालता हूँ ये काम करना बंद हो जाता है, और अब भी काम करना ये बंद हो चुका है। देखो ये देखो, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बस अब आज की वीडियो में हमने देखा कि क्या होता है जब हम किसी फैन को या किसी मोटर को पानी के अंदर डालकर चला देते हैं, यानी कि अंडर वाटर उसे चलाते हैं। तो यही होता है, हमारी मोटर शायद इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो पानी के अंदर फैन को रोटेट कर सके। शायद इस वजह से जो हो सकता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा बबल्स बनेंगे जब पानी के अंदर फैन चलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जो है पानी रोटेट करेगा, लेकिन वैसा तो यार कुछ भी नहीं हुआ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब